आज हम लोग बना रहे हैं टिंडे गोश्त। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी 1/2 kg चिकन जो बोन के साथ है, आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने लिए हैं टिंडे, जो कि मैंने फ्रोज़न लिए थे। यहाँ फ्रोज़न मिलते हैं पैकेट्स में, तो मैंने वही लिया है और इसको मैंने थोड़ा सॉच कर लिया है। उसके अलावा मैंने लिए हैं 2 टमाटर और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। उसी के साथ ही मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। उसी के साथ ही मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है फ्रेश। उसी के साथ मैंने 3 to 4 ग्रीन चिलीज ली हैं, जिसको मैंने काट लिया है। उसी के साथ मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम धनिया लिया है, जिसको मैं गार्निश भी करूँगी और सालन में बॉयल करने के लिए डालूँगी भी। उसी के साथ ही स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने लिया है सॉल्ट या हसबे जायका सॉल्ट, 1/2 teaspoon मैंने लिया है गरम मसाला और 1/2 teaspoon मैंने लिया है ज़ीरा। और चिकन को और सॉरी कुक करने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, जो कि आप देख सकते हैं कि मेजरिंग कप में 1/2 कप ऑयल है। तो चलिए हम लोग अपने टिंडे गोश्त की रेसिपी को तैयार करते हैं। तो हम लोग लेंगे एक पॉट और पॉट में डालेंगे हम लोग अपना 1/2 कप ऑयल और इसी के साथ हम लोग डालेंगे प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा बस इसका प्याज का कलर चेंज करना है। तो प्याज थोड़े से डन हो गए हैं, इन्होंने हल्का हल्का अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने दिखाया था आपको। और इसको अच्छे से सौते करेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो हमारे घरों में बनती है। बेसिकली हमारे घर में बनती है और हम इसे बहुत मिस करते हैं जब हम अब्रॉड आ जाते हैं। तो ये हमारी घर की घरेलू रेसिपी है, जो कि बहुत ही इजी है और ये बहुत ही यमी बनती है। तो इसको थोड़ा सॉच करेंगे अच्छे से हम लोग, थोड़ा सा इसको सौते होने देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। अब इसी में हम लोग डालेंगे ज़ीरा और ज़ीरे के साथ भी थोड़ा सौते करेंगे। अब इसी में हम लोग डालेंगे टमाटर और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसको कवर करके कुक करेंगे। तो अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो गया है और इसमें ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन और इसी के साथ ही हम बाकी स्पाइसेस भी डालेंगे। चिकन डालेंगे, इसी में बाकी स्पाइसेस भी हम लोग डाल देंगे, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। इसको कुक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी तेज़ आंच पर भुनाई करेंगे पहले 5 मिनट तक। इसको तेज़ आंच पर भुनेंगे। 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल किस तरीके से ऊपर आ गया है। हमने 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भुनाई करी है इसकी, ठीक है।
तो अब इसकी 5 मिनट भुनाई करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे टिंडे और हम इसे भूनेंगे चिकन के साथ 2 मिनट तक। तो 2 मिनट तक हमने अच्छे से इसकी भुनाई करी है और फिर हमने इसे कवर करके 3 मिनट इसको कुक भी किया है। तो अब हमारा टाइम है कि हम इसमें पानी ऐड करें। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना पानी आपको, जितना शोरबा आपको रखना है उतना। उसी के साथ ही हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे जब तक कि हमारे टिंडे गल नहीं जाते। तो अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे, इसमें बॉयल्स आने का वेट करेंगे, 3 से 4 बॉयल्स आ जाएं। तो हल्की आंच पे हम लोगों ने शोरबे को कुक करा, तो आप देख सकते हैं कितना शोरबा जो है इसका रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा धनिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे और बस एक बॉयल इसमें आएगा फिर, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। टिंडे भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार यमी सालन बना है। इसको आप रोटी के साथ खाइए या फिर राइस के साथ खाइए, ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी। तो तैयार है हमारा मज़ेदार टिंडे गोश्त और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यमी और हेल्दी रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितनी यमी बनी है, और इसको आप बॉयल राइस के साथ खाइए या फिर आप इसको रोटी के साथ खाइए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।